जी दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज़ नरेश कुमार मीना फ्रॉम जीपीसी धौलपुर एंड वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ एंटेना। ओके, सब्जेक्ट कोड है EL206 एंड सब्जेक्ट नेम है बे प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। थर्ड चैप्टर है एंटेना, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे एंटेना एरे। एक्चुअली इससे पहले जो हमने पढ़ा था डाइपोल एंटेना, फुल वेव एंटीना एंड 3/2 लैम्डा और 2 लैम्डा लेंथ के जो एंटेनाज थे उनका रेडिएशन पैटर्न कैसा होगा, ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एंटीना एरे एक्चुअली, ठीक है। इसका क्या एडवांटेज है, इससे क्या फ़ायदे होने वाले हमको, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक्चुअली इस तरह के एंटीनाज की। देखिए, इट इज़ ए रेडिएशन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप्ड रेडिएटर्स और एलिमेंट्स प्लेस टुगेदर विद इन ईच अदर्स इंडक्शन फील्ड एंड द रिजल्टिंग रेडिएशन पैटर्न विल बी द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल वंस। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये एक तरह का रेडिएशन सिस्टम है जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं या रेडिएटर्स होते हैं, ठीक है, और उनको एक साथ हम रखते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं ताकि जो रिजल्टेंट रेडिएशन पैटर्न बनेगा वो एक्चुअली सभी जो अलग अलग रेडिएशन एलिमेंट्स हैं उन सब के रेडिएशन के वेक्टर सम के बराबर होगा। ओके, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन वेदर रीइंफोर्समेंट और कैंसिलेशन ऑफ ईएम वेव्स टेक्स प्लेस इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईच एलिमेंट, स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स एंड फेज डिफरेंस बिटवीन द फीड पॉइंट्स। अब हमने जब एक साथ ग्रुप में कई सारे एलिमेंट्स को रखा है, ठीक है, और उनका जो रेडिएशन पैटर्न बनेगा दैट विल बी नॉट लाइक द इंडिविजुअल पैटर्न एक्चुअली, लाइक एक सिंगल एलिमेंट का जो पैटर्न होगा, लाइक डाइपोल्स का ही हम देखें दैट इज़, ठीक है, लाइक डोनट शेप में होता है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि एक साथ आपने बहुत सारे डाइपोल्स लगाए, ठीक है, उसका अरेंजमेंट करके जो रिजल्टेंट रेडिएशन पैटर्न बनेगा वो भी सेम एज डाइपोल हो, वो थोड़ा अलग होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी डायरेक्शन में जो इनके द्वारा जो रेडिएशन होगा वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस ज़ीरो है तो दे विल ऐड अप, ठीक है। और कुछ डायरेक्शंस में क्या होगा दोस्तों, उनके बीच में अगर फेज डिफरेंस है तो इट विल बी एक्चुअली कैंसिल्ड हो जाएगा, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है अरेंजमेंट पे, आपकी स्पेसिंग क्या है बीच में एलिमेंट्स के, उनकी लेंथ कितनी है एंड उनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तथा उनके जो हम फीड दे रहे हैं, हम उनको फीडिंग कर रहे हैं सोर्स से, तो उन सोर्स से जब हम फीड कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स को तो उस फीडिंग के दौरान जो इनपुट है उसमें कोई फेज डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस रखा है तो पैटर्न अलग होगा, अगर फेज डिफरेंस नहीं है, ज़ीरो है सबके बीच में, तो पैटर्न अलग होगा। ये डिपेंड करता है ये सारी चीज़ों पे एक्चुअली, जो रिजल्टेंट आपका रेडिएशन पैटर्न होगा। बाई सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इट इज़ पॉसिबल टू अचीव वेरी हाई गेन एक्चुअली। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है दोस्तों कि अगर आपने एक सूटेबल अरेंजमेंट करके, मीन्स कई सारे डाइपोल्स को, कई सारे एलिमेंट्स को एक साथ रख के उनका इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे ताकि हमें गेन जो है मैक्सिमम मिल सके इन आवर पर्टिकुलर डिजायर्ड डायरेक्शन एक्चुअली, ठीक है। अब इसके अंदर जो है कि कई तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं दोस्तों। देखिए, एक होता है ड्रिवन एलिमेंट। ड्रिवन एलिमेंट वो होता है जिसको हम कनेक्ट करते हैं ट्रांसमीटर के आउटपुट से, मीन्स दैट इज़ बींग एक्चुअली फीडेड बाई द ट्रांसमीटर, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिवन एलिमेंट, जिसको हम डायरेक्टली हमारे सोर्स से कनेक्ट करेंगे जिस एलिमेंट को, है ना, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड पैरासिटिक एलिमेंट्स होते हैं कुछ, जिनको हम डायरेक्टली ट्रांसमीटर के आउटपुट से कनेक्ट नहीं करेंगे, बट दे विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू अचीव द डिजायर्ड रेडिएशन पैटर्न एक्चुअली, ठीक है। तो पैरासिटिक एलिमेंट्स जो कि रेडिएटिंग एलिमेंट विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर, यदि आपका कोई पैरासिटिक एलिमेंट है दैट इज़ लॉन्गर देन द ड्रिवन एलिमेंट, मीन्स जो एक्चुअल हमारा ड्रिवन एलिमेंट जो है जिसको हम सोर्स से डायरेक्टली फीड कर रहे हैं, अगर उससे लंबा है पैरासिटिक एलिमेंट देन इट विल बिहेव लाइक ए रिफ्लेक्टर, ठीक है। जो भी पावर, जो एनर्जी ड्रिवन एलिमेंट से जो
पैरासिटिक एलिमेंट की तरफ आएगी, ये उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा एक्चुअली, अगर ये ड्रिवन एलिमेंट से लंबा है, इट इज़ लॉन्गर देन द ड्रिवन एलिमेंट, ठीक है। और यदि ए पैरासिटिक एलिमेंट शॉर्टर देन द ड्रिवन एलिमेंट फ्रॉम विच इट रिसीव्स द एनर्जी, इट विल इंक्रीज रेडिएशन इन इट्स ओन डायरेक्शन, इज कॉल्ड डायरेक्टर। यदि आपका जो पैरासिटिक एलिमेंट है वो ड्रिवन एलिमेंट से छोटा है, तो जो एनर्जी ये ड्रिवन एलिमेंट से जो इसकी तरफ आएगी, उस एनर्जी को एक्चुअली ये इसकी खुद की डायरेक्शन में और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, उसको रेडिएट करने का काम करेगा, न कि रिफ्लेक्ट करने का। सो इसको हम बोलेंगे डायरेक्टर, ठीक है। सो आपने आपने अगर पढ़ा हो कभी, तो यागी उड़ा एंटेना हम पढ़ा करते थे, उसके अंदर ड्रिवन एलिमेंट होता था, डायरेक्टर रिफ्लेक्टर्स होते थे कई सारे, एक से ज़्यादा भी होते हो सकते हैं, एंड नहीं एक ही, आई थिंक रिफ्लेक्टर एक ही होता था, एंड कई सारे रेडिएटर्स होते थे एक्चुअली उसमें। ये हमने यागी-उडा एंटेना में पहले पढ़ा था, आपने नहीं पढ़ा होगा ऑब्वियसली, बिकॉज आप पहली बार एंटेना टॉपिक पढ़ रहे हो। सो आगे देखते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ एक एग्ज़ाम्पल दिया है एंटेना एरे का, जिसके अंदर हम मैंने अभी फ़िलहाल में एक ही एलिमेंट लिया, ड्रिवन एलिमेंट भी एक है, एक ही रिफ्लेक्टर है और एक ही डायरेक्टर है एक्चुअली। देखिए बीच में जो मैंने यहाँ बनाया है, दैट इज़ योर ड्रिवन एलिमेंट एंड एक्चुअली वी आर फीडिंग पावर ही आर एक्चुअली, ठीक है। और इसका जो लेंथ मैंने रखा है लैम्डा बाई टू एंटेना, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ पे जो बनाया है, दिस इज़ योर रिफ्लेक्टर एंड दिस इज़ योर डायरेक्टर, ठीक है। रिफ्लेक्टर ड्रिवन एलिमेंट से लंबा है, देख सकते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक है, एंड जो डायरेक्टर है दैट इज़ शॉर्टर देन द ड्रिवन एलिमेंट, ठीक है। हमने रिफ्लेक्टर को 0.55 लैम्डा लिया है एंड डायरेक्टर इज़ 0.45 लैम्डा। सो इसका जो रेडिएशन पैटर्न होगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट मैंने लिया है, इसका रेडिएशन पैटर्न कुछ इस तरीके का मिलता है। सो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम इसको काफ़ी गेन मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों, जो आपका रिफ्लेक्टर है दैट इज़ वर्किंग एज ए मिरर, ठीक है। यदि हम इसको सोर्स मान लें, कि यहाँ पे ये सोर्स मान लिया मैंने, ठीक है, ये है आपका मिरर जो कि रिफ्लेक्टर है, एंड ये है आपका लेंस जो कि एज ए रेडिएटर काम कर रहा है। सो ये ऑप्टिकल, अगर हम ऑप्टिकल इक्विवेलेंट इसका वो बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, जो एरेज़ होते हैं, एंटीना एरेज़ होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है और इनके जो फीड होता है, स्पेसिंग और फीडिंग जो है, करंट्स में जो फेज़ डिफरेंस है, उसके आधार पर इसका अरेंजमेंट दो तरीके से हम कर सकते हैं। नंबर वन इज़ ब्रॉड साइड एरे एंड नंबर टू इज़ एंड फायर एरे, ठीक है। सो पहले हम पढ़ेंगे ब्रॉड साइड एरे अरेंजमेंट में क्या होता है। देखिए, दिस इज़ द सिंपलेस्ट एरे कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ डायपोल्स ऑफ इक्वल साइज़। इसका मतलब है, इसमें हम डायपोल्स का एक कई सारे डायपोल्स का अरेंजमेंट करेंगे, जिनकी सबकी साइज़ इक्वल होगी, ठीक है। उनके बीच में इक्वली स्पेस्ड अलोंग स्ट्रेट लाइन, और सबके बीच में इक्वल स्पेसिंग होगी, और एक स्ट्रेट लाइन में उनको अरेंज करेंगे। विथ ऑल डायपोल्स फेड इन द सेम फेज फ्रॉम द सोर्स, और सोर्स से जो हम फीडिंग करेंगे, तो उन सब इनपुट में ये सारा जो फेज़ डिफरेंस होगा करंट का, कहने का मतलब है सभी डायपोल्स एलिमेंट्स में करंट का फेज़ डिफरेंस जीरो होगा, सभी इन फेज होंगे, ओके। ब्रॉड साइड की बात कर रहे हैं अपन। सेकंड पॉइंट में लिखा है, मैक्सिमम रेडिएशन अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरेज। एक्चुअली जो प्लेन ऑफ एरे होगा, ठीक है, जिस प्लेन में हमने एरे एलिमेंट्स को रखे हुए हैं, उस प्लेन में रेडिएशन नहीं होगा, उस जो रेडिएशन होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ये याद रखने वाली चीज़ है। दिस इज़ कॉल्ड ब्रॉड साइड डायरेक्शन कह सकते हैं, ब्रॉड साइड रेडिएशन इसको कहते हैं एक्चुअली, ठीक है, कि आपका जो रेडिएशन है वो जो एरेज़ का प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉड साइड रेडिएशन। टिपिकल एंटेना लेंथ इन द ब्रॉड साइड एरे आर फ्रॉम 2 to 10 वेव लेंथ, ठीक है, 2 लैम्डा to 10 लैम्डा। जो हम इसमें लेंथ लेते हैं डायपोल्स की, वो 2 लैम्डा से लेकर के 10 लैम्डा तक लेते हैं जनरली, एंड टिपिकल स्पेसिंग आर
लेमडा बाई टू और लेमडा, और जो स्पेसिंग होती है बीच में दैट इज़ लेमडा बाई टू भी ले सकते हैं और लेमडा भी ले सकते हैं। एंड डजन्स ऑफ एलिमेंट्स मे बी यूज इन वन एरे, और डजन्स ऑफ एलिमेंट्स मीन्स कई सारे डजन्स हो सकते हैं, मतलब काफ़ी 10 से 15 एलिमेंट भी हम यूज कर सकते हैं एक सिंगल एरे में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये मैंने यहाँ पे ब्रॉड साइड अरेंजमेंट है जिसमें स्पेसिंग आपकी सभी एंटेनाज की लेंथ देखिए आप सेम है, सभी एंटेनाज की लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है सेम ही होगी। एंड सबके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ ऑल्सो लेमडा बाई टू, मैंने इनकी लेंथ लेमडा बाई टू ली है यहाँ पे, ठीक है 2 लेमडा से 10 लेमडा जनरली लेते हैं, तो आप यहाँ पे 2 लेमडा भी ले सकते हो, 3 लेमडा भी ले सकते हो, बट स्पेसिंग बीच में जो है या तो लेमडा बाई टू रखिए या लेमडा रखिए, रखते हैं जनरली यहाँ पे लेमडा बाई टू रखिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें इसमें जो फीड मैंने दिया है एक सेम सोर्स से हम सबको फीड करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, एक ही सोर्स से हम सबको इनपुट देंगे, ठीक है। और चूंकि इनके बीच की डिस्टेंस है लेमडा बाई टू, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा 180 का, और मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया है नेक्स्ट वाले में इनपुट को, देन अगेन फेज डिफरेंस इज 180, तो टोटल फेज डिफरेंस हो जाएगा 360 डिग्री, इसका मतलब है दोनों एलिमेंट्स के बीच में फेज डिफरेंस 0। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगेन जब दोनों के बीच में स्पेसिंग लेमडा बाई टू की है एंड दोनों को मैंने अल्टरनेट मीन्स इंटरचेंज कर दिया इनपुट को, अगेन 180 एंड 180 फेज शिफ्ट मिलेगा, टोटल 360, तो अगेन करंट में जो फेज डिफरेंस आएगा 0। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स में जो करंट होगा दैट इज़ इन फेज, ठीक है। और जो रेडिएशन पैटर्न इसमें हमको मिलता है कुछ इस तरीके से मिलेगा दोस्तों, ये रेडिएशन पैटर्न हमको मिलेगा। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा 3D में आप डायमेंशन में आप देखिए कि सारे जो यहाँ पे एरेज मैंने डाइपोल्स जो बनाए हैं इसको आप परपेंडिकुलर टू प्लेन मान लो, अगर ये जो एरे मैंने ये जो डाइपोल्स बनाए हैं एक्चुअली, ठीक है, इन डाइपोल्स को आप परपेंडिकुलर टू पेपर प्लेन इस तरह से देखिए, तो आपका जो रेडिएशन पैटर्न होगा कुछ इस तरीके से मिलेगा इसके प्लेन के पेपर प्लेन में, ठीक है। पेपर प्लेन में हमको इस तरीके से मैक्सिमम रेडिएशन मिलेगा, मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरेज। एंड वन मोर थिंग इज दैट हाफ पावर बीम विड्थ, इसका फॉर्मूला भी आप यहाँ याद रख सकते हो, दैट इज इक्वल टू लेमडा अपॉन एन डी, लेमडा इज द वेवलेंथ एंड एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट्स इन द एरे, ये याद रख सकते हो, इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमें सिलेबस में दिया गया है बहुत लंबा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इतना काफ़ी होगा आई थिंक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए। सो नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी देखिए एंड फायर एंटेना, एंड फायर एंटेनाज में क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद इक्वल लेंथ एंड सेम स्पेसिंग, इसमें भी जो एलिमेंट्स होंगे ठीक है उनकी सबकी जो है कि लेंथ इक्वल होगी एंड सेम स्पेसिंग, सबके बीच में स्पेसिंग भी सेम रहेगी। नंबर टू पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ईच एलिमेंट इज सेम, देखो सभी एलिमेंट्स में जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा मगर फेज डिफरेंस अलग अलग होगा, ठीक है, ये चीज़ इसमें थोड़ा सा डिफर कर जाती है फ्रॉम ब्रॉड साइड, और इसी कारण से जो आपका रेडिएशन पैटर्न है दैट मैक्सिमम रेडिएशन पैटर्न अकर्स इन द प्लेन ऑफ एरे एंड इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। तो इस चूँकि हमने फेज डिफरेंस ला दिया है सभी एलिमेंट्स में जो करंट है उसमें फेज डिफरेंस है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा एक्चुअली 90 डिग्री का सॉरी, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट में 0 डिग्री, सेकेंड एलिमेंट में डिफर कर जाएगा वाई 90 डिग्री, एंड देन अगेन थर्ड एलिमेंट में 90 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा, इस तरीके से वो बढ़ते जाएगा कंटिन्यूसली। सो इस तरह का इसमें हम फीडिंग रखते हैं, फेज में डिफरेंस रहता है सभी एलिमेंट्स में, सो देर इज़ नो रेडिएशन एट राइट एंगल्स टू बी द प्लेन ऑफ द एरे बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन, और इस कारण से क्या होता है जो आपके जो ब्रॉड साइड डायरेक्शन थी जो ब्रॉड साइड एरे में जो हमें रेडिएशन पैटर्न मिल रहा था उस डायरेक्शन में तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड रेडिएशन जो मैक्सिमम रेडिएशन मिलेगा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ एरेज, जो एरे की जो प्लेन है उसी डायरेक्शन में हमको मैक्सिमम रेडिएशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रॉड साइड एंड एंड फायर एरे एंटेनाज आर रेजोनेंट एंटेनाज हेंस दे आर नैरो एंड एंटेनाज, ठीक
ठीक है। ये जो है कि हमारे चूँकि हम डाइपोल्स आर यूज़ कर रहे हैं इस एरे में, चूँकि डाइपोल्स आर योर रेजोनेंट एंटेनाज, सो हमारे ब्रॉड साइड एंड एंड फायर एंटेनाज दोनों ही ये रेजोनेंट एंटेनाज होते हैं, एंड दे आर नैरो बैंड एंटेनाज, चूँकि रेजोनेंट एंटेनाज आर नैरो बैंड एंटेनाज, दैट्स वाई ब्रॉड साइड एंड एंड फायर एरे एंटेनाज आर ऑल्सो नैरो बैंड एंटेनाज। मैंने नेक्स्ट लिखा है दोस्तों यहाँ पे, एरे एंटेनाज आर यूज एज ट्रांसमिटिंग एंटेनाज, ठीक है। जो ये ब्रॉड साइड और एंड फायर एरे जो हैं, ये जो एंटेनाज हैं, इन दोनों को ही हम एक्चुअली एज ए ट्रांसमिटिंग एंटेना यूज़ करते हैं, न कि रिसीविंग एंटेनाज, ठीक है। बिकॉज ये नैरो बैंड होते हैं, सो रिसीविंग के टाइम पे हमको थोड़ा ब्रॉडबैंड चाहिए, ब्रॉडबैंड एंटेना चाहिए, दैट्स वाई वी यूज़ दीज एंटेनाज फॉर ट्रांसमिटिंग पर्पज। नेक्स्ट पॉइंट, डिसएडवांटेज ऑफ ब्रॉडबैंड ब्रॉड साइड एंड एंड फायर एंटेनाज इज दैट साइड लोब्स आर प्रेजेंट इन द रेडिएशन पैटर्न्स, और इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें साइड लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये अरेंजमेंट दिखाया एंड फायर एंटेनाज का, किस तरीके से देखिए सब सब सारे एलिमेंट्स की लेंथ जो है कि सेम है, सबके बीच में डिस्टेंस जो स्पेसिंग है वो भी सेम है, एंड सबको मैंने देखी डायरेक्टली फीड किया है सेम सोर्स से, और बीच में चूँकि डिस्टेंस है लैम्डा बाई फोर, सो लैम्डा बाई फोर डिस्टेंस में कितना फेज डिफरेंस आएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। एंड जो इनपुट है उसको यू पी तो रखा है, देखो इनपुट में यहाँ था वो भी सेम टू सेम रखा है, तो नो फेज डिफरेंस विल बी देयर क्योंकि इंटरचेंज नहीं किया है, बट लैम्डा बाई डिस्टेंस स्पेसिंग है लैम्डा बाई फोर, उसके कारण 90 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट करंट जो होगी 0 डिग्री फेज पे है, देन सेकेंड एलिमेंट में करंट 90 डिग्री फेज शिफ्ट पे आएगी, थर्ड में 180 डिग्री पे आएगी, फोर्थ में 270 पे आएगी, देन अगेन फेज डिफरेंस इज ज़ीरो। सो इस प्रकार से जो एलिमेंट्स में फेज डिफरेंस अलग अलग होगा, और जो हमें पैटर्न मिलेगा रेडिएशन पैटर्न विल बी लाइक दिस, इट इज़ इन द प्लेन ऑफ द एरे, एरे प्लेन की डायरेक्शन में ही मिलेगा। यहाँ भी साइड लोब्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें जो हाफ पावर बीमविड्थ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट 8 लैम्डा अपॉन एन डी, ठीक है, याद रख लीजिए अगर हो सके तो, नॉट नेसेसरी, ठीक है, ओके। देन वन मोर टाइप ऑफ एरे इज देयर, बायनोमियल एरे एंटीना। एक्चुअली द डिसएडवांटेज ऑफ एंड फायर एंड ब्रॉडबैंड साइड ब्रॉडबैंड एंटीनाज, सॉरी द डिसएडवांटेज ऑफ एंड फायर एरे एंड ब्रॉड साइड एरे इज दैट देर आर साइड लोब्स, ठीक है। सो टू एलिमिनेट द साइड लोब्स वी हैव फाउंड ए न्यू मेथड, एक्चुअली न्यू अरेंजमेंट एक्चुअली, तो दैट इज़ बायनोमियल एरे एंटीना। और इसमें क्या होगा देखिए, इसमें हम सभी एलिमेंट्स की लेंथ बराबर है, सभी के बीच में स्पेसिंग बराबर है, ठीक है, स्पेसिंग लैम्डा बाई टू रखेंगे यहाँ पे, बट जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, फेज डिफरेंस भी कुछ भी नहीं है, सब में सेम फेज में करंट है, बट करंट का जो वैल्यू है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है एक्चुअली, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, एंड द मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो ये अरेंजमेंट इस तरीके से होगा, दिस इज कॉल्ड बायनोमियल एरे एंटीना। देखिए इसमें पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ऑल एलिमेंट्स हैव सेम लेंथ ऑफ 2 लैम्डा टू 8 लैम्डा, जैसे ब्रॉड साइड में होता था 2 लैम्डा से लेकर 8 लैम्डा तक इसमें लेंथ ले सकते हैं, सेम स्पेसिंग होगी लैम्डा बाई टू, एंड सेम फेज शिफ्ट इज यूज, बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स ऑफ करंट इज यूज, सेम फेज शिफ्ट होगा बट एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट होगा, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द बायनोमियल कोफिशियंट्स। तो जो एम्पलीट्यूड होगा करंट्स का अलग अलग एलिमेंट्स में वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द बायनोमियल कोफिशियंट्स, ठीक है। एंड द मेन एडवांटेज ऑफ बायनोमियल एरे इज दैट साइड लोब्स आर एलिमिनेटेड, इसके अंदर साइड लोब्स एलिमिनेट हो जाते हैं, सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ बायनोमियल एरे। एंड इन बायनोमियल एरे देयर शुड बी एटलीस्ट 3 एलिमेंट, और एक और कंडीशन इसमें आती है कि बायनोमियल एरे बनाने के लिए हमें कम से कम 3 जो है कि एलिमेंट होना ज़रूरी है। सो दोस्तों होपफुली आप सबको एरे एंटीना एरे के बारे में समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।